गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम एनिमल टिश्यूज को रिवाइज करेंगे और ये जो एनिमल टिश्यूज का जो रिवीजन होगा इसको देखने से पहले एक बार फिर से हम आपको बता दें कि आप वर्ल्ड बायोलॉजी 95 चैनल को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आपको जो है अपकमिंग वीडियोज़ का जो है नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप फॉलो कर सकते हैं जो है worldofbiology95.wordpress.com को। इसके अलावा आप मेरे फेसबुक पेज www.facebook.com/rajiranjan157978 पे भी विजिट कर सकते हैं। इस फेसबुक पेज का भी नाम वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी 95 है, जिसमें आपको बहुत सारे बायोलॉजिकल फिनोमिनन्स के वीडियोस और दूसरे मटेरियल्स मिलेंगे जिससे कि आप बायोलॉजिकल वर्ड को जो है ज्यादा आसानी से समझ सकें। तो विजिट कीजिए www.facebook.com/rajivranjan157978 और इसे फॉलो कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज जो होते हैं उनको हम फोर मेजर टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल टिश्यूज। एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल टिश्यूज, ये जो फोर टाइप्स हैं इन्हीं फोर टाइप्स के बारे में हमें जानना है। यहां इसे आप देखो, ये एनिमल टिश्यूज का जो है एक फ्लो चार्ट है जिसमें डिफरेंट डिविजन्स दिखाए गए हैं। हालांकि ये कंप्लीट डिविजन्स को नहीं दिखा रहा है, बट जो है इनिशियली देखो एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज एंड नर्वस टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यूज में एपिथेलियल कवरिंग टिश्यूज एंड ग्लैंडुलर टिश्यूज है जिसमें सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम है। कनेक्टिव टिश्यूज के जो है फर्दर जो है डिविजन्स को यहाँ पर शो नहीं किया गया है। मस्कुलर टिश्यूज है और नर्वस टिश्यूज है। एक एक करके हम इनको देखेंगे। एपिथेलियल टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यूज बॉडी के इनर और आउटर लाइनिंग को और ऑर्गन्स के इनर और आउटर लाइनिंग को जो है कवरिंग प्रोवाइड करते हैं। जैसे इसको इस तरह से समझो, जैसे एक बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के बाहर के वॉल पे जो वाइट वॉश किया गया है, जो पेंट किया गया है, वो पेंट जो है एपिथेलियल टिश्यू है, और बिल्डिंग के अंदर के वॉल के ऊपर जो वाइट वॉश या पेंट किया गया है वो उसका एपिथेलियल टिश्यू है। तो हमारे बॉडी के भी बाहर जो स्किन है हमारा एपिथेलियल टिश्यू है स्किन के ऊपर, और बॉडी के अंदर जो हमारा बॉडी वाल का इनर पार्ट है उस पर भी एक एपिथेलियल लेयरिंग है। इसके अलावा बॉडी के ऑर्गन्स का भी जो है आउटर लाइनिंग और इनर लाइनिंग जो है एपिथेलियल टिश्यू से जो है कवर्ड होता है। एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं उनको फर्दर दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम में। क्या है ये सिंपल और कंपाउंड एपिथेलियम? सिंपल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। इट इज प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब्स। जो हमारे बॉडी कैविटी है, जो हमारे बॉडी में डिफरेंट डक्ट्स या ट्यूब्स हैं, जैसे ब्लड वेसल्स है, एलिमेंट्री कैनाल है, इनकी जो लाइनिंग है, चाहे वो बाहर की लाइनिंग हो चाहे वो अंदर की लाइनिंग हो, उसमें जो है सिंपल एपिथेलियम पाया जाता है। और सिंपल एपिथेलियम की खास बात क्या होती है कि ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स से बना होता है। सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, सिंगल ऑफ लेयर ऑफ सेल्स को जो है यहां समझते हैं हम एक जो है ऐसे ही छोटे से जहर सिस्टम के साथ। देखो इनको आप देखो, ये एक सिंगल लेयर है, लेकिन अगर इसी के ऊपर एक और दूसरा लेयर हम ले लें, आप इसे देखो, समझो जो मैं कर रहा हूं, अब ये क्या हो गया, डबल लेयर हो गया। इसके ऊपर अगर हम ले लें ये क्या हो रहा है, ट्रिपल लेयर हो रहा है। ठीक है, तो जब लेयर जो है आप सेल्स जो है एक से अधिक हो जाते हैं तो कंपाउंड एपिथेलियम हो जाएगा।
और अगर सिंगल लेयर है, जैसे केवल अगर यही केवल लेयर होता तो सिंपल एपिथिलियम होता। कंपाउंड एपिथिलियम जो होता है यूजुअली प्रोटेक्टिव फंक्शन को परफॉर्म करता है, और हमारे स्किन के ऊपर, हमारे बकल कैविटी के जो है लाइनिंग में, थैरिंग्स के लाइनिंग में, सेलेबरी ग्लैंड और पैंक्रियाज के डक्ट के लाइनिंग में जो है ये पाया जाता है। सिंपल एपिथिलियम फर्दर कई तरह के होते हैं, जिसमें मेजर जो है स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर है। स्क्वैमस एपिथिलियम जो होते हैं वो फ्लैटेंड सेल्स के बने होते हैं, इरेगुलर बाउंड्री होती है उनकी। और सबसे सिंपल एग्जाम्पल स्क्वैमस एपिथिलियम का, जो हमारे चिक सेल्स है अंदर के जो चिक, जो हमारे गाल का अंदर वाला पोर्शन है, उसके सबसे बाहर सबसे अंदर की जो लाइनिंग है वो स्क्वैमस एपिथिलियम की बनी होती है, और ये फ्लैटेंड सेल्स हैं स्क्वैमस एपिथिलियम के। ये सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स हैं जो क्यूब के आकार के हैं। ये कॉलमनर सेल्स हैं जो क्यूबॉइड के आकार के होते हैं। देखो इन सबको अगर देखो तो दियाल आर द सिंगल लेयर्स, लेकिन जरा इनको देखो, इन्हें देखो, इसको छोड़ दो, इसे हम बाद में देखेंगे। इन सब में जो है डिफरेंट लेयर्स हैं, वन टू थ्री फोर लेयर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेयर्स। ये क्या है? ये जो है कंपाउंड एपिथिलियम है। तो सिंपल एपिथिलियम में स्क्वैमस एपिथिलियम है जो कि पाया जाता है हमारे चिक के इनर वाल में, ब्लड वेसल्स के वाल में, लंग्स के एल्वियोली में, और ये डिफ्यूजन बाउंड्री का फॉर्मेशन करते हैं, यानी इनसे वो करके डिफ्यूजन होता है यूजुअली गैसेज का। सिंपल क्यूबॉइडल जो क्यूब के शेप में होते हैं, और ये क्यूबॉइडल एपिथिलियम जो होता है हमारे ग्लैंड्स के डक्ट्स में जो है पाए जाते हैं, नेफ्रॉन में पाए जाते हैं। ये यूजुअली सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। कॉलमनर एपिथिलियम ये क्यूबॉइड या स्लेंडर होते हैं, टाल होते हैं, लंबे होते हैं, और इनका न्यूक्लियस जो होता है वो बेस की तरफ शिफ्टेड होता है। क्यूबॉइड और कॉलमनर ये दोनों जो है दो तरह के हो सकते हैं, नॉर्मल एंड सिलिएटेड। सिलिएटेड का मतलब, जैसे मान लो यहां पे ये दोनों नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर इन्हीं के ऊपर सिलिया होता तो वो सिलिएटेड हो जाते हैं। तो सिलिएटेड एपिथिलियम का फॉर्मेशन हम कर सकते हैं अगर कॉलमनर और क्यूबॉइड के ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोग्रेशंस बन जाए तो सिलिएटेड हो जाते हैं, जो कि हमारे हॉलो ऑर्गन्स में, ब्रोंकियोल्स, फेलोपियन ट्यूब्स, वास डिफरेंस, इन सब में पाया जाता है। एस्ट्रेटेड एपिथिलियम जो कि एक कंपाउंड एपिथिलियम है, जिसमें मोर देन वन लेयर्स हैं, और ये यूजुअली दो तरह के होते हैं, नॉन केराटिनाइज्ड एंड केराटिनाइज्ड। जैसे स्किन है, स्किन के ऊपर जो स्ट्रेटेड एपिथिलियम पाया जाता है उसे केराटिनाइज्ड कहते हैं, क्योंकि इनके सबसे ऊपर वाले लेयर पे केराटिन पाया जाता है जो एक तरह का प्रोटीन है। ठीक है, नॉन केराटिनाइज जो होते हैं वो बकल कैविटी में, फेरिंग्स और ओसोफेगस में पाए जाते हैं, उनमें क्रिएटिन नहीं पाया जाता। इसके अलावा स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथिलियम भी पाया जाता है। ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथिलियम को जरा हम जानने की कोशिश करते हैं। देखो यहां पे डायग्राम में ये है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो लगेगा कि ये एक से अधिक लेयर का है, लेकिन और थोड़ा जो है आप इसे फोकस करो। ये देखो यहां से लेकर यहां तक एक ही सेल है, ये जो सेल है यहां से लेकर यहीं तक है केवल, दूसरा सेल जो है क्या हो रहा है, ये यहां से यहां तक आ जा रहा है, ये यहां से यहां तक आ रहा है। डिफरेंट लेयर्स तो दिखाई दे रहे हैं, बट जो है एक सेल जो है केवल एक ही लेयर का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी देखने से लगता है कि ये जो है एक से अधिक लेयर का होगा, बट रियल में ये सिंगल लेयर का होता है, और इसे हम स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहते हैं। इसके अलावा ग्लैंडुलर एपिथिलियम पाए जाते हैं। ग्लैंडुलर एपिथिलियम जो छोटे छोटे ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं, जैसे स्वेट सेल्स हैं, जो कि हमारे स्किन में पाए जाते हैं और स्वेट को प्रोड्यूस करते हैं। आयल ग्लैंड्स हैं,
तो ये एपिथेलियल टिश्यूज थे। नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये कनेक्ट करने का काम करते हैं, यानी बॉडी के जो है डिफरेंट पार्ट्स को ये कनेक्ट करते हैं, और ये हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा ही वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और मोस्ट अबंडेंट होते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज को तीन मेजर ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, कनेक्टिव टिश्यूज प्रॉपर, स्केलेटल टिश्यूज एंड वैस्कुलर टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज प्रॉपर, स्केलेटल टिश्यूज एंड वैस्कुलर टिश्यूज, ये जो तीन जो है तरह के जो है टिश्यूज हैं, इनमें जो है सबसे पहले हम कनेक्टिव टिश्यूज प्रॉपर को देखें तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यूज, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज, म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यूज, पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यूज, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज प्रॉपर। एक्चुअली व्हाई वी आर सेइंग प्रॉपर, चूंकि ये इंडिविजुअली होते हैं इसलिए हम इन्हें बोलते हैं प्रॉपर। स्केलेटल टिश्यूज बोन और कार्टिलेज होते हैं, और वैस्कुलर टिश्यूज में प्लाज्मा, ब्लड और लिम्फ आते हैं। तो बस ये जो है डिफरेंट टाइप्स के जो है कनेक्टिव टिश्यूज हो गए, इनको एक एक देखते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यूज या वाई कनेक्टिव टिश्यूज प्रॉपर, लूजली अरेंज होते हैं, इसमें जो एरियोलर टिश्यूज है वो बीनीथ द स्किन पाया जाता है और एपिथेलियम के फ्रेमवर्क को सपोर्ट करता है। इस एरियोलर टिश्यूज में अलग अलग तरह के कनेक्टिव टिश्यूज प्रॉपर पाए जाते हैं, ये सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम फाइब्रोब्लास्ट, माइक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स आदि के नाम से जानते हैं। इनमें से कुछ जो होते हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होते हैं, जैसे माइक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल्स। ये जो फॉरेन मटेरियल्स होते हैं उनको इंगल्फ कर जाते हैं और इंगल्फ करके डाइजेस्ट कर जाते हैं। एडिपोज टिश्यू जो होता है वो भी स्किन के नीचे की तरफ पाया जाता है, और ये क्या करता है, फैट को डिपोजिट करता है, फैट को स्टोर करता है। हमारे बॉडी में जहां जहां पर भी फैट ज्यादा है, मान के चलो कि वहां पर एडिपोज टिश्यू जो है हैं। कार्टिलेज, कार्टिलेज जो है और बोन्स, ये दो मिलकर के हमारे स्केलेटल टिश्यूज का फॉर्मेशन करते हैं। कार्टिलेज जो है वो कॉन्ड्रोसाइट्स सेल से मिलकर के बना होता है, यानी कार्टिलेज के एक सेल को कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं, और कॉन्ड्रोसाइट का डेवलपमेंट जो है कॉन्ड्रोब्लास्ट से होता है। इसमें एक स्पेशल प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम कॉन्ड्रिन कहते हैं, और कई बार क्या होता है कि कार्टिलेजेस जो है बड़े होने पर जो है बोन में बदल जाते हैं, और ऐसे बोन्स को कार्टिलेजिनस बोन्स कहते हैं। कार्टिलेज जो है वो बेसिकली तीन तरह के होते हैं, हायलिन कार्टिलेज, फाइब्रोकार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज। मोस्ट कॉमन हायलिन कार्टिलेज है जो हमारे रिब्स में पाए जाते हैं, नोज में, लैरिंग्स में, ट्रेचिया में पाए जाते हैं, और इन्हीं हायलिन जो है कार्टिलेज से बोन का फॉर्मेशन होता है आगे चलकर। फाइब्रोकार्टिलेज जो है हमारे दो वर्टिब्री के बीच में, जो हमारा बैकबोन होता है, बैकबोन के यूनिट को हम वर्टिब्री कहते हैं, तो दो वर्टिब्री के बीच में जो डिस्क होते हैं उस डिस्क में पाए जाते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जॉइंट्स में पाए जाते हैं, लिगामेंट्स के रूप में होते हैं। इलास्टिक कार्टिलेज हमारे एक्सटर्नल ईयर में पाया जाता है जिसको हम आसानी से मोड़ सकते हैं। एपिग्लॉटिस जो हमारे माउथ और लैरिंग्स का जो है वहां पे लैरिंग्स पोर्शन पे पाया जाता है, एपिग्लॉटिक्स और लैरिंग्स, ये इनमें जो है इलास्टिक कार्टिलेज पाया जाता है। हायलिन कार्टिलेज जो है वो अगर हम देखें तो इनमें कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं जो इन्हें मजबूत करते हैं। कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं हार्ड होते हैं देखने में, लेकिन जो तीनों तरह के कार्टिलेजेस अभी हमने पढ़े, हायलिन, फाइब्रो एंड इलास्टिक, ये तीन जो हमने पढ़े, इन तीनों में ये वीकेस्ट टाइप ऑफ कार्टिलेज पाया जाता है हायलिन, ये कॉन्ड्रोसाइट सेल्स हैं।
फाइब्रो कार्टिलेज स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ कार्टिलेज है, जो डेंस कोलेजन फाइबर से जो है बनता है। इलास्टिक कार्टिलेज, ये इलास्टिक फाइबर से बनता है, ठीक है। बोन्स, बोन्स जो है के सेल्स को ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं, ध्यान दो, कार्टिलेज के सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं और बोन्स के सेल्स को जो है ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स से जो है डेवलप होते हैं। बोन्स एक यहां पे ये जो है नॉर्मल लॉन्ग बोन को दिखाया गया है, जिसके डिफरेंट पार्ट्स दिखाया गया है। इट इज द हेड रीजन, इट इज ऑल्सो द हेड रीजन एंड दिस इज द शाफ्ट रीजन। इस हेड रीजन में को अगर हम देखें, इस शाफ्ट रीजन को देखें, तो शाफ्ट रीजन में कॉम्पैक्ट बोन है और हेड रीजन में ये स्पॉन्जी बोन है। जो लॉन्ग बोन्स होते हैं उनके सेंटर में, उनके जो है हॉलो पार्ट में जो है एक सेमी फ्लूइड मटेरियल पाया जाता है, जिसे हम बोन मैरो कहते हैं। या बोन मैरो दो तरह के हो सकते हैं, रेड वन येलो बोन मैरो। हेड रीजन में रेड बोन मैरो पाया जाता है और शाफ्ट रीजन में एलो बोन मैरो पाया जाता है। यहां देखो, यहां पे एक जंक्शन, एक ज्वाइंट को दिखाया गया है। ये एक ज्वाइंट को दिखाया गया है जिसमें ये एक बोन है, ये बोन है, इन दोनों के बीच में ये जो है कार्टिलेज की पैड है और कार्टिलेज के पैड के बीच में जो है ये कैविटी है। इस कैविटी को अगर हम देखें तो इस कैविटी में जो है साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है, जो ग्रीजिंग का काम करता है बोन्स को जो है ज्वाइंट्स पे, उनको घिसने से, उनको रब करने से बचाता है। ब्लड स्पेशल कनेक्टिव टिश्यूज है जो कि मटेरियल्स को जो है एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारे बॉडी में। ये दो चीजों से मिलकर के बना होता है, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स को हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी कहते हैं। प्लाज्मा नियर अबाउट 55 to 65% ऑफ ब्लड होता है और इसमें 90 to 92% वाटर होता है और 6 to 8% प्रोटीन होता है, और इसके अलावा सर्टेन अदर मटेरियल्स पाए जाते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स फाउंड इन द प्लाज्मा लाइक फाइब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन। फाइब्रिनोजेन इज रिक्वायर्ड फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ग्लोब्यूलिन डिफेंस मैकेनिज्म के लिए होता है, यानी इम्यून सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है। एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस को क्रिएट करता है, यानी ब्लड में वाटर और मिनरल्स के जो है कंसंट्रेशन को जो है रेगुलेट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा प्लाज्मा में मिनरल्स पाए जा सकते हैं, ग्लूकोज पाया जा सकता है, एमिनो एसिड्स पाया जा सकता है, लिपिड पाया जा सकता है। अगर क्लॉटिंग फैक्टर को हम निकाल दें प्लाज्मा से, तो बाकी पार्ट जो होता है उसे हम सीरम कहते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी ब्लड सेल्स तीन तरह के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, आरबीसी और एरिथ्रोसाइट्स। ये रेड ब्लड सेल्स जो कि सबसे ज्यादा पाया जाता है हमारे बॉडी में, 5 to 5.5 million आरबीसी फाउंड पर मिलीमीटर क्यू ऑफ द ब्लड। ये रेड बोन मैरो से प्रोड्यूस होते हैं, इनका लाइफ स्पान जो है नियर अबाउट 120 डेज का होता है और रेड ब्लड ब्लड सेल्स में एक जो है रेड पिगमेंट पाया जाता है कंजुगेटेड प्रोटीन के रूप में, हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, कैरी करता है, और ये इसका जो है अमाउंट जो है वो 10 टू 16 ग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड पाया जाता है। आरबीसी जब रेड करते हैं तो स्प्लीन में जाकर के जो है वो डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं, दैट्स व्हाई स्प्लीन इज कॉल्ड एज ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। ल्यूकोसाइट्स और डब्ल्यूबीसी आल्सो नोन एज द व्हाइट ब्लड सेल्स कलरलेस होते हैं क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इनकी संख्या काफी कम होती है एज कंपेयर टू द आरबीसी, 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। और ये दो कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स आते हैं, ए ग्रेनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स आते हैं। ये न्यूट्रोफिल्स जो है 60 to 65% होता है,
बैसोफिल 0.5 to 1%, इयोसिनोफाइल फिल्स 2 to 3%, लिम्फोसाइट्स 20 to 25% पाया जाता है और मोनोसाइट 10 to 15% पाया जाता है। मोनोसाइट्स ही जो है जरूरत के हिसाब से मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने आप को। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स ये फैगोसाइटिक होते हैं नेचर में, जो एक्सटर्नल मटेरियल्स को डाइजेस्ट कर जाते हैं इंगल्फ करके। लिम्फोसाइट जो है वो टी और बी लिम्फोसाइट्स दो तरह के होते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम से जुड़े होते हैं, जो आगे चल करके आप इनके बारे में डिटेल में पढ़ोगे। एंड देन थ्रोम्बोसाइट्स और प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स इनकी संख्या हमारे बॉडी में 115 की बात करें या 1.5 million to 3.5 million प्लेटलेट्स जो है पाए जाते हैं। और सॉरी ब्लड में जो प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है वो नियर अबाउट 0.15 million to 3.35 million पर मिलीमीटर की पाई जाती है, या 1.5 लाख से 3 लाख जो है प्लेटलेट्स पर मिलीमीटर की पाए जाते हैं। इन ये इनमें जो है इनकी जो मेन प्रॉपर्टी होती है वो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होती है। ये जब कभी हमारा टिश्यू डैमेज होता है या बॉडी में कहीं चोट लगता है तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करते हैं, जो ब्लड कोएगुलेशन या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को इनिशिएट करता है। ब्लड ग्रुप एबीओ ग्रुपिंग, चार तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं ए बी ए बी एन ओ, और ये चार तरह के ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो एंटीजेंस के आधार पे होते हैं। यहां देखो जरा आरबीसी के सरफेस पे सर्टन प्रोटीन्स पाए जाते हैं जिन्हें हम एंटीजेंस कहते हैं। जिस इंडिविजुअल के आरबीसी पे ए एंटीजन पाया जाता है उसका ब्लड ग्रुप ए होता है, जिसमें बी एंटीजन पाया जाता है वो ब्लड ग्रुप बी होता है, जिसमें ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं उन्हें हम ए बी ब्लड ग्रुप कहते हैं, जिसमें कोई एंटीजन नहीं होता उसे हम ओ ब्लड ग्रुप कहते हैं। और जिन लोगों के आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए पाया जाता है उनके प्लाज्मा में एंटीबॉडी एंटी बी पाया जाता है, बी वालों के जो है प्लाज्मा में एंटीबॉडी एंटी ए पाया जाता है, और ए और बी दोनों के जो है प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, जबकि ओ ब्लड ग्रुप वालों में जो है दोनों तरह के एंटी प्लाज्मा पाए जाते हैं एंटी एंड एंटी बी। यहां एंटी बी का मतलब क्या हुआ कि अगर जो है बी ब्लड ग्रुप के ब्लड का ब्लड जो है इस ए ब्लड ग्रुप वाले इंसान में जो है ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए तो एंटी बी प्लाज्मा जो है वो एंटीजन बी के साथ जो है कोलैप्स कर जाएगा और ब्लड की क्लॉटिंग हो जाएगी और पेशेंट की डेथ हो जाएगी। इस तरह से एंटी ए जो है एंटीजन ए के साथ जो है क्लॉट कर जाता है, चूंकि ए एंड बी में कोई एंटीबॉडी नहीं है और वो में जो है दोनों एंटीबॉडीज हैं, तो इसके आधार पे जो है रेसिपिएंट और डोनर की बात अगर हम करते हैं तो ब्लड ग्रुप ए जो है वो ए का ब्लड ले सकता है और ए बी का ब्लड ले सकता है। ए बी का क्यों ले सकता है, क्योंकि ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं है। ब्लड ग्रुप बी जो है बी और ए बी का ले सकता है, क्योंकि ए बी में तो जो है एंटी ए है एंटी बी है नहीं और जो है कोई एंटीबॉडी यहाँ ए बी में नहीं है। ए बी केवल ए बी का ही ले सकता है क्योंकि बाकी सब में जो है एंटीबॉडीज दिखाई दे रहे हैं और इसके पास जो है दोनों एंटीजन्स हैं। उस तरह से ओ जो है ओ क्या कर सकता है, ओ जो है ओ ए को भी दे सकता है, ओ को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है, लेकिन लेगा किसका, केवल ओ का। ए बी किसका लेगा, वो सबका ले लेगा लेकिन देगा किसको, केवल एबी को देगा। ठीक है, इस तरह से जो है ये ब्लड ग्रुप ए जो है ओए को देगा, ओबी को देगा बी ब्लड ग्रुप, तो ये जो है किसको दे सकते हैं उसके लिए है, ये किससे ले सकते हैं उसके लिए है। चूंकि एबी ब्लड ग्रुप जो है चारों से जो है ब्लड ले सकता है इसलिए यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, और ओ ब्लड ग्रुप वाला जो है किसी जो है ओ छोड़ करके किसी से नहीं ले सकता लेकिन दे सबको सकता है इसलिए यह यूनिवर्सल डोनर है। तो ये था हमारे ब्लड ग्रुप के बारे में, आज हमने देखा एपिथेलियल टिश्यूज एंड कनेक्टेड टिश्यूज। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे मस्कुलर टिश्यूज एंड नर्वस टिश्यूज। थैंक यू।